हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारी चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में 8.4 एक्सरसाइज हम देखते हैं। तो 8.4 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 का 3 का हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जो क्वेश्चन यहां से हमारे पास अपडेट किए जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लिखे हैं और क्वेश्चन को लिखकर के हम क्या डालते हैं, सॉल्व डालते हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपान में हमारे पास दिया है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो हमें करना क्या होता है, इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, किसी एक पद को चेंज कर लें, ऊपर एक पद को चेंज करो, नीचे एक पद को हमें क्या करना होता है, चेंज कर लें। तो हम करते हैं क्या, एक पद को चेंज कर लेते हैं, इक्वल लगाएंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर। तो हम 90 से क्या घटा दें कि हमें 27 बच जाए, 90 से क्या करेंगे 63 घटा देंगे। तो 90 से ये हमने क्या घटा दिया 63, 90 से 63 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 27 अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो हम क्या करें, लिखा है कॉस स्क्वायर 90, तो 90 से हम क्या घटा दें कि हमारे पास 73 बजे, तो कितना घटाएंगे 17, ये हमने 17 घटा दिया। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास साइन स्क्वायर 63 फिर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास साइन 90 माने थीटा हमारे पास क्या होता है कास थीटा, तो हो जाएगा कास स्क्वायर 63, क्या हो जाएगा कास स्क्वायर 63 अपान में हमारे पास हो जाएगा कास स्क्वायर 17 प्लस कास 90 माने थीटा क्या होता है हमारे पास जाता है फर्स्ट या चतुर्थांश में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा उसमें आर प्लस होता है, तो कास हमारा किसमें चेंज जाएगा साइन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 17, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 17। तो अब हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, देख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो वही हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, थीटा जब 63 तो इसमें भी 63, इसमें भी 17 दिया, इसमें 17 दिया थीटा की जगह पर, तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर 63 हमारे पास है तो लिखेंगे साइन, तो हमारे पास हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाए 1, अपान में कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखा है बाद में हमें इसको पहले लिख लेते बाद में, तो साइन का थीटा प्लस कॉस का डिवाइड क्या हो जाएगा 1, तो इस प्रकार हमारे पास 1 अपान 1 इक्वल कितना हो जाएगा 1, तो हमारे पास यही आंसर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस का साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 1। सेकेंड पार्ट इसी का हमारे पास दिया है तो इसको देख लेते हैं, कह रहा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 65 प्लस कॉस 25 प्लस हमारे पास दिया है सॉरी इनटू में दिया साइन 65, तो हमें क्या पहले चेक करते हैं ये हमारे पास कितना होता है 65 और हमारे पास 25 मान 90 होता है 65 90, तो हम क्या करेंगे इसमें भी एक पद को हमें क्या करना होता है तोड़ना होता है, तो हम क्या करेंगे आप क्वेश्चन को एक बार उतार लेंगे उसके बाद में सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं देखते हैं साइन 25 ये हमने लिख दिया, इस वाले पद को हम क्या करें तोड़, जैसे हमने इसको तोड़ा था वैसे क्या करेंगे कास 65 को भी तोड़ेंगे, इनटू में हमारे पास दिया है तो हो जाएगा कास 90, 90 से हम क्या घटाएंगे हमारे पास 65 तो क्या घटाएंगे 25 फर्स्ट वाला हम घटा देंगे 25। अब आगे हमारे पास क्या होता है प्लस लगा प्लस लगा देंगे, फिर हमारे पास कास 25 दिया तो कास 25 लिख देंगे कास 25 डिग्री, इनटू में हमारे पास क्या दिया साइन 65 तो साइन 65 हमारे पास क्या 90 से कितना घटा दें तो हमारे पास वही आ जाएगा यहां पर साइन 90 डिग्री माइनस 25, तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या करते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन 25, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, तुम्हारा हो जाएगा साइन 25 प्लस कॉस 25 लिखा हुआ तो कॉस 25 लिख देंगे, इनटू में हमारे पास क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 25 हो जाएगा क्योंकि थीटा के ऊपर क्या रखा हमारे पास है 25 दिया गया है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस इधर हमारे पास भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1। इस तरीके से क्वेश्चन हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था ऑब्जेक्ट हमारे पास दिए गए बहुविकल्पी क्वेश्चन हमारे पास है तो हमें सॉल्व करना है,
तो देखते हैं हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि हमारे पास सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 96 स्क्वायर ए माइनस 19 ए। तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, देखते हैं इसमें हमारे पास दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 9 तो हम क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो ध्यान दें यहां पर 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारे पास है 1। तो यहां पर हम क्या रख देंगे इसकी जगह पर 1 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 9 हो गया 9। तो हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट सही है हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास बी ऑब्जेक्ट सही है। कौन सा हमारे पास, डी ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है सही है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं यहां पर सेकेंड नंबर हमारे पास क्या था, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम साथ डालते हैं, देखते हैं 1 प्लस टेन थीटा हम करेंगे क्या साथ डालेंगे, तो 1 प्लस टेन थीटा को हम साइन थीटा और कॉस थीटा पदों में तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। प्लस ये हो जाएगा सेक थीटा हमारा किसका उल्टा होता है कॉस का, किसका होता है तो 1 अपान क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब हमारे पास 1 प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा हमारे पास किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, तो 1 अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो अब देखते हैं हमारे पास इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो क्या करेंगे एलसीएम जब साइन थीटा इसमें कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो कॉस से आंसर में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा कॉस ऊपर गुणा होगी तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे हमारे पास इसमें हम किससे गुणा करेंगे साइन थीटा से आंसर में, तो हमारा ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपान में हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, ये हमने बता दिया ब्रैकेट। अब देखते हैं हमारे पास, तो इसमें हम देखते हैं सूत्र हमारा बनना है, ये हमारा हो जाएगा जो इतना पद ये हमारे पास दिया गया है ये पद हो जाएगा ए और इसमें भी हमारे पास ये पद हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा बी और ये भी हमारा कितना हो जाएगा बी। तो सूत्र बन जाएगा ए यानी एक बार जोड़ा गया और एक बार घटाया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। देखते हैं हमारे पास ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, तो हम ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी तो ए हमारा पूरा है ए प्लस बी हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम करेंगे क्या यहां पर इसी तरीके रूप में लिखेंगे तो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 1 और अपान में पूरे के साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ। आप देखते हैं हमारे पास ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन ए इंटू कॉस या कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए लिखते हैं क्योंकि कॉस ए का मान पर दिया है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में 1 अपान में हमारे पास क्या चल रहा था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको लिख लेंगे। अब क्या करते हैं ये देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर प्लस थीटा इसके 1 के बराबर हो जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 अब साइन थीटा को पहले लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 1 अपान में हमारे पास जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब क्या करेंगे ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस हमारे पास ये कट जाएंगे, अब क्या बचेगा 2 साइन थीटा, तो हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये और ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 2, तो हमें क्या हो जाएगा ये 2 जो हमारा है यही हमारे पास आंसर है। और देखते हैं हमारे बुक में ऑब्जेक्ट कौन सा हमारे पास दिया है 2 हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया है सी, तो हमारे पास सी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है सही है, सी ऑब्जेक्ट हमारा राइट है। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है सॉल्व डालेंगे हम, तो कह रहा है कि 6 ए प्लस 10 ए दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए दिया है, तो हम करेंगे क्या पहले सिक ए को सिक ए का उल्टा हमारा क्या होता है 1 अपान कॉस ए और टेन ए हमारा साइन और कॉस के पदों में टूटेगा, तो हमारे पास साइन थीटा अपान कॉस थीटा साइन ए अपान कॉस ए, तो लिखेंगे 1 अपान
कॉस ए प्लस साइन ए अपान क्या हो जाएगा कॉस ए। इधर हम इसको ऐसे लिखे रहेंगे साइन ए। अब क्या करते हैं एलसीएम हमारे पास कितना मिल गया कॉस, तो हम करते क्या है वन प्लस साइन ए अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस, इधर हमारे पास वन माइनस साइन ए। ठीक है अब देखते हैं हमारे पास ऊपर ये गुणे में दिए गए वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, ये हमारा ए स्क्वायर यानी एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो हम इसको लिख देंगे यहां पर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए नीचे हमारे पास क्या दिया था कॉस ए, इक्वल लगा लेंगे यहां पर। अब हम क्या करते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास देखो ये हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ए, तो अब हम क्या करते हैं अगर यहां पर हम क्या निकालना साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो वन माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास दिया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहां पर क्या लिख सकते हैं हमारे पास है सॉरी वन माइनस साइन स्क्वायर दिया, तो ये हमारे दिया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए ए चल रहा था कॉस ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस ए, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा सही दिया गया है, ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया गया है कॉस ए डी विकल्प हमारे पास सही, कौन सा डी हमारे पास सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्व डाल देते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा तो हम क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे साइन और कॉस के पदों में, तो हमारे पास हो जाएगा वन प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इक्वल हमारे पास क्या वन प्लस अब कॉस को तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर ए अपान में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखते हैं आगे हमारे पास एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर, तो हमारे पास इसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहां पर इक्वल लगाते हैं इस तरीके से। अब इधर हम क्या करें हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान में हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा साइन ऊपर जाएगा अर्थात ये हमारे बचेगा वन अपान कॉस स्क्वायर ए अपान में वन अपान साइन स्क्वायर, तो इसको पलटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वन अपान कॉस स्क्वायर ए गुड़े साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपान में हमारे पास कितना जाएगा वन, तो अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर की वन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर ए की गुणा वन से करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए यानी साइन थीटा अपान देख लेते हैं इधर हमारे पास साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो जो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगे तो इस पर भी हमारे पास स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हमारे पास जाएगा टेन स्क्वायर ए, ये हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा सही है हमारे पास डी, ये भी ऑब्जेक्ट हमारे पास डी ही सही है। इस तरीके फाइव देखते हैं कह रहा था फाइव से स्टार्ट होते हैं हमारे फाइव का फर्स्ट है हमारे पास फाइव में कह रहा सिद्ध करना है, ये एक पार्ट हमारे पास एलएचएस में दिया और ये आरएचएस में, हमें एलएचएस वाले पार्ट को आरएचएस के बराबर करना है अर्थात कह सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस हमें इक्वल करना है, तो साफ करते हैं क्वेश्चन को, तो हमारे पास क्या कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अर्थात ए माइनस बी का हमारे पास क्या बन जाएगा फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास सूत्र क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, या होता है लिख सकते हैं कुछ लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये भी सही और ये भी दोनों हमारे पास क्या है सही है, तो हम करते क्या है देखते हैं हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट दो, तो हम लिखेंगे क्या ए स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, फिर हमारे पास जो है माइनस टू हमारे पास क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू में हमारा हो जाएगा काट थीटा। ठीक है हमें लाना क्या है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, तो हम इसे कैसे सॉल्व करें
cos स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cos थीटा इंटू cot थीटा। तो हम करते क्या है, अगर इसको हम कर लें तोड़ लें cos थीटा में और इसको cot थीटा को तोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाए, इसको भी तोड़ दें तब भी हमारे पर लग जाएगा। और अगर हम दूसरे तरीके लगाते हैं तो यहां पर आरएसएस से भी लगा सकते थे, 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, तो उसके संयुग्मी से गुणा कर देते तब भी खोल देते तब भी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो देखते हैं हमारे पास क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर, तो लिखेंगे हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपान में हमारे पास sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 अपान साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास कास थीटा अपान में साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान में हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस हमारे पास क्या जाएगा 2 कास थीटा साइन और साइन हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस, तो हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या हो जाएगा, या इसको 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा में दिया तो इसको लिख लेते हैं 1 प्लस ब्रैकेट में कर लें कास स्क्वायर थीटा दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाए माइनस 2 कास थीटा अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखते हैं हमारे पास 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसको जब ब्रैकेट खोल देते हैं अब यहां पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, आप क्या करते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिखा है तो सॉरी प्लस है यहां पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा किसका सूत्र बन जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देख लेते हैं यहीं पर, जैसे कह रहा था 1 प्लस का थीटा ब्रैकेट में हमने इसलिए कर लिया था ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी रहे, तो हमने एलसीएम ले लिया उसके ब्रैकेट हटा दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास माइनस का 2 साइन थीटा 2 कास थीटा हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास ए की वैल्यू 1 थी और बी की वैल्यू कास, तो हम अगर लिखेंगे देखते हैं हमारे पास ये फॉर्मूला जो हमने लिखा क्वेश्चन में लिखा, तो इसको अगर खोलेंगे तो हमारा वही वाला मान प्राप्त है। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास कास स्क्वायर थीटा माइनस का 2 और ए की वैल्यू 1 है हमारे पास बी की वैल्यू कास थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा। तो हमारे पास 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हमारा साइन स्क्वायर थीटा चल रहा था। तो अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, हमने पहले क्वेश्चन बताया था साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो यहां पर साइन स्क्वायर वहां पर क्या लिख देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर सॉरी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करते हैं, ये हमारे पास दो बार लिखा, दो बार लिखेंगे 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा पावर 2 है तो इसको दो बार हम लिख लेंगे अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम ऊपर नीचे काट देते हैं, हमें लाना क्या था 1 माइनस कास थीटा, तो 1 माइनस कास थीटा अपान में प्लस थीटा, तो देखते हैं सजाती पद 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा ये हमारे पास क्या होगा कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे बचेगा क्या 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, तो हम लिखेंगे ये हमारा हो गया आरएचएस। देख लीजिए एलएचएस लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, क्वेश्चन को लिख लेना आराम से हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया एलएचएस बराबर, हम देखते हैं क्वेश्चन 5 के सेकंड में हमारे पास क्या कह रहा है कि कास ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कास ए इक्वल में हमारे 2 से के प्रूफ करना है। तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, कास कास की मल्टीप्लाई करा देंगे और 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन की मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर साफ करेंगे कहने का मतलब त्रिक गुणा करा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में लिख दें या ऐसे लिख दें कास ए, ये हमारे पास हो गया कास ए। तो अब हम करते क्या है कास स्क्वायर ए, तो इसको ऐसे रखते हैं कास स्क्वायर ए प्लस ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, तो लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस साइन ए
दूसरे ब्रैकेट में पास क्या हो जाएगा cos a। आप क्या करते हैं देखते हैं cos स्क्वायर a ये और sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 हमारा लिखा था प्लस हो गया प्लस 2 sin a। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 प्लस sin a और हमारे पास क्या हो जाएगा cos a, या ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें सीधे cos a लिख दें। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 sin a, अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a और cos a हो गया इनटू में। आप क्या करते हैं इधर देखते हैं तो हमारे पास इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे हमारे पास तो क्या बचेगा जब यहां से 2 कॉमन मिल जाए तो यहां पर क्या बचेगा 1 प्लस यहां पर क्या बचेगा sin a, तो sin a हो गया हमारा। अपान में क्या आ जाएगा यहीं पर हमारे पास नीचे लिखा था 1 प्लस sin a और इनटू में क्या दिया था हमारे पास cos a, तो देखते हैं 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 अपान cos a, तो 2 अपान cos a अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 अपान cos a। ठीक है तो 2 अब 1 अपान cos a किसका उल्टा होता है हमारे पास sec का, तो हमारे पास यहां पर लिख देंगे sec a, यही हमारे पास प्रूव करना था, ये हो गया हमारा RHS। ठीक है तो RHS बराबर क्या हो गया हमारे पास RHS प्रूव हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा देखते हैं, तो कह रहा था हमारे पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा दिया है बराबर में 1 प्लस थीटा इनटू cos थीटा हमें प्रूव करना है, तो क्या करते हैं यहां पर है क्वेश्चन जो मैं दिया इसमें से क्या करें tan को 1 अपॉन cot के पदों में तोड़ लें या cot को 1 अपॉन tan के पदों में तोड़ लें, तो क्या करते हैं हमारे पास cot को तोड़ते हैं हम यहां पर है तो हमारे पास हो जाएगा tan थीटा को ऐसे रखेंगे अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। देख लीजिए ये जो हमने cot बराबर हमारे पास क्या होता है ऊपर इधर देख लीजिए cot थीटा बराबर होता है 1 अपान tan थीटा। ठीक है तो यहीं से हम क्या करेंगे अब क्या करते हैं हम यहां पर हैं तो हम करेंगे एलसीएम बदलेंगे यहां पर तो जाएगा ऊपर tan थीटा हमारा रहेगा नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 अपान में क्या आ जाएगा tan थीटा प्लस लगा देंगे तो अब ये 1 हमारा इसके साथ नीचे आ जाएगा तो 1 अपान में हमारे पास क्या आ जाएगा tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है आगे क्या करते हैं हम ये हमारे पास tan ऊपर जाएगा तो tan into tan हमारा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा ये tan हमारा ऊपर जाएगा तो tan गुणे tan हमारा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा उसके बाद में नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस का 1। ठीक है तो अब हम क्या करते हैं यहां पर हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे ये प्लस लिखा लगाएंगे माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर हमारे पास 1 है तो 1 रहेगा नीचे हमारे पास बटे में क्या आ जाएगा tan थीटा ये हमारे पास ब्रैकेट कर लेंगे tan थीटा ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगी tan हमारे पास अंदर के चिन्ह माइनस का मान लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे प्लस वाला हमारा माइनस हो जाएगा माइनस वाला प्लस तो प्लस tan हम पहले लिख लेंगे 1 हमारा बाद में हो जाएगा या फिर ऐसे लिख देते हैं माइनस का मान लेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा tan थीटा इस तरीके लिख लेते हैं कोई बात नहीं। आगे हम क्या करते हैं tan स्क्वायर हमारे पास हो गया tan स्क्वायर थीटा अपान में हमारे पास जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान में हमारे पास क्या आ जाएगा अब हम करते हैं tan थीटा ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा tan को पहले लिख क्योंकि tan थीटा माइनस 1 हमें बनाना सही रूप लिख लेंगे तो tan थीटा पहले लिख लेंगे माइनस का 1 ये हमारे पास हो गया। अब इन दोनों में हम लेंगे एलसीएम तो एलसीएम में हमारे पास tan थीटा माइनस 1 दिया है tan थीटा माइनस 1 दिया इसमें क्या नहीं हमारे पास दिया tan थीटा तो हम क्या करेंगे अंश और हर में क्या करेंगे tan से मल्टीप्लाई कराएंगे अंश और हर में हम क्या करेंगे tan से मल्टीप्लाई कराएंगे तो tan थीटा से मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं ये हमारे पास हो गया tan थीटा तो अब tan थीटा माइनस 1 tan थीटा tan थीटा माइनस 1 ऊपर tan स्क्वायर tan और थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा अपान में हमारे पास माइनस का क्या हो जाएगा 1 अपान में हमारे पास एलसीएम कितना ले लेंगे हम tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस का 1 ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे आगे देखते हैं ये हमारा बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहां पर कुछ नहीं होता तो उसमें क्यूब लगा सकते हैं 1 का क्यूब मार करेंगे तो 1 ही रहेगा तो हमारे पास क्या होता है सूत्र देख लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बराबर में
ए माइनस बी ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस हमारा होता है बी स्क्वायर। तो इसी तरीके इसको तोड़ेंगे, टेन हमारे पास ए प्लस बी लिखा तो लिखेंगे टेन थीटा माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में हमारा ए स्क्वायर था टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी हमारे पास दिया तो जाएगा टेन थीटा इंटू में वन और प्लस में हमारे पास क्या जाएगा वन का स्क्वायर अपान में हमारे पास क्या चल रहा था टेन थीटा ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस का वन। आप क्या करेंगे तो टेन थीटा हमारे पास दिया तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन अपान में हमारे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा। तो जब हमारे पास इतना बचा हुआ है अब हम क्या करेंगे हमारे पास माइनस और ये हमारे पास कैंसिल हो गए तो हम करेंगे क्या यहां पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन दिया गया है तो हम करेंगे क्या इसमें से हम कॉमन लेंगे या फिर हम क्या कर लें यहीं पर तोड़ देंगे टेन स्क्वायर अपॉन टेन टेन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन टेन हमारे पास हो जाएगा तो तोड़ते हैं यहां पर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपान में क्या जाएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपान में हमारे पास टेन थीटा प्लस वन अपान टेन थीटा। तो अब क्या करते हैं टेन टेन हमारे कैंसिल हो जाएंगे टेन टेन में कैंसिल तो हमारे पास जाएगा टेन थीटा प्लस का वन और हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का हमारे पास हो जाएगा ये कॉट। हमें लाना क्या है वन प्लस से थीटा और इंटू हमारे पास का से थीटा क्या करेंगे यहां पर तोड़ेंगे साइन थीटा को टेन थीटा को साइन थीटा अपन का थीटा साइन थीटा अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा कास थीटा प्लस वन ऐसे रखो वन को बाहर कर देते हैं तो ये कास थीटा तोड़ेंगे तो हमारे पास कास थीटा अपान में क्या जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा वन। अब इसकी तीर गुणा कराएंगे साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा ये बाहर हमारा है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपान में हमारे पास आएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस में हमारे पास क्या चल रहा था वन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा वन हमारे पास हो जाएगा। तो इधर देख लेते हैं हमारे पास ये हमारे पास वन हो जाएगा तो वन अपान साइन थीटा इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा कास थीटा प्लस का वन तो हमारे पास तोड़ेंगे इसको तो वन अपान साइन थीटा मल्टीप्लाई वन अपान कास थीटा प्लस का वन तो हम क्या करें साइन थीटा किसका उल्टा होता कासेक थीटा का तो लिखेंगे कासेक थीटा प्लस हमारे पास इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा वन अपान कास थीटा किसका होता है सेक थीटा का तो सेक थीटा प्लस का वन लिखेंगे वन प्लस सही रूप में लिख देंगे वन प्लस सेक थीटा इंटू कासेक थीटा तो ये हमारे पास क्या हो गया आर एच एस। इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे ठीक है नंबर फाइव का फोर वाला पार्ट हमारे पास है तो वन प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर में साइन स्क्वायर ए अपान में वन माइनस कास ए तो हमें क्या करना है यहां पर अब सॉल्व करेंगे एल एच एस लेंगे हमारे पास वन प्लस सेक हमारे पास दिए गए हैं तो क्या करेंगे सेक ए को हम तोड़ेंगे वन अपान कास के पदों में भाई हमारे पास क्या होता है सेक ए बराबर वन अपान कास ए होता है मतलब तो जहां पर सेक ए दिया वहां पर क्या रखेंगे कास ए वन अपान कास ए रखेंगे तो वन प्लस वन अपान कास ए अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा वन अपान कास ए बराबर आगे देखते हैं अब क्या करेंगे हम हर बराबर करेंगे तो ऊपर कास से गुणा करेंगे आंसर में तो कास ए प्लस क्या हो जाएगा वन अपान में हमारे पास आ जाएगा कास ए। अब क्या करते हैं नीचे वन अपान कितना दिया हुआ है कास ए अब देखते हैं हमारे पास क्या है पलटेंगे तो कास हमारा ये ऊपर चला जाएगा साथ में गुणे में चला जाए वन हमारा नीचे आ जाए तो लिखेंगे कास ए प्लस वन अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा कास ए मल्टीप्लाई तो कास हमारा ऊपर आ गया ये कास ए अपान में क्या हो जाएगा वन तो अब हम करते क्या है कास ए कास ए हमारा कैंसिल हो जाएगा तो अब हमारे पास क्या ये हमें लिख कर आया कास ए प्लस वन तो हम इसको ले सकते हैं वन प्लस कास ए अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा वन तो अब हम क्या करते हैं ये हमारे पास वन प्लस कास ए दिया तो इसका संयुग्म हमारे पास क्या हो जाएगा वन माइनस कास ए वन माइनस कास ए अपान में क्या जाएगा वन माइनस कास ए अगर अंश में किया है तो हर में भी करेंगे तो अब ये हमारे बन जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला देख लेते हैं यहीं पर इधर देख लेते हैं हमारे पास अगर हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे लिखा हो तो हमारे सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए ए हो गया बी बी हो गया तो ए प्लस बी ए माइनस बी देख लेते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या होता है वन का स्क्वायर माइनस कास का स्क्वायर तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा
वन का स्क्वायर हमारे पास कुछ भी लिखे तो वन ही रहता हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए हमारे पास हो जाएगा, अपान में हमारे पास क्या जाएगा वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए, तो हमारे पास वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है हमारे पास साइन स्क्वायर है। देख लेते हैं ये फॉर्मूला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो हमें निकालना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो हमारे पास कॉस हमारा उधर चला जाएगा, तो वन माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जब यहां पर लिखा हुआ तो उसके ऊपर क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, हमें प्रूव कर रहा था साइन स्क्वायर ए अपॉन में वन माइनस कॉस ए, तो ये हमें क्या प्रूफ हो गया, ये हमारा हो गया आर एच एस। तो इस तरीके से हमारे पास लिख सकते हैं यहां पर वन प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान हमारे पास वन माइनस कॉस ए एच एस बराबर, ये हमारा क्या हो गया आर एच एस। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है।